मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा। दोस्तों, कृपया भाई राजीव दीक्षित जी के इन दुर्लभ वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं दुर्लभ जानकारियों को अपने सभी दोस्तों एवं अन्य लोगों तक जरूर साझा करें। धन्यवाद। गणित में जो त्रिकोणमिति होती है ना, आपने तो पढ़ा होगा बचपन में, हम लोग अंग्रेजी में उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये जो त्रिकोणमिति है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये महर्षि आर्यभट्ट की खोज है। उन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति दिया है पूरी दुनिया को जानने समझने और सीखने के लिए। और आप जानते हैं, इसी त्रिकोणमिति को आधार बनाकर दुनिया में सारा निर्माण कार्य चलता है। त्रिकोणमिति अगर आप जानते नहीं है तो आप किसी भी निर्माण कार्य में लग नहीं सकते। तो सारी दुनिया के निर्माण कार्य का आधार और पृष्ठभूमि महर्षि आर्यभट्ट की देन है, त्रिकोणमिति जो उन्होंने समझाई सारी दुनिया। गणित में त्रिकोणमिति का आविष्कार भारत में हुआ है। फिर इसी तरह एक महान महर्षि हुए भास्कराचार्य, उन्होंने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी लीलावती, जिसका नाम लीलावती जो थी वो महर्षि भास्कराचार्य की बेटी थी। तो अपने बेटी के नाम पर, बेटी को जो सिखाते थे गणित में, वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में। और लीलावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, इतना तीव्र बुद्धि वो बेटी थी कि पेड़ के पत्ते गिन सकती थी। और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया तो वास्तव में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे। और उसको कहा जाता था कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चलती है, तो कहती थी वो पिताजी की कृपा है, उन्होंने मुझे गणित सिखाया। पेड़ के पत्ते गिन लेना कोई आसान काम नहीं है, ये कुछ ऐसा ही काम है कि आसमान में तारे गिन लेना। और लीलावती इसमें सिद्धहस्त थी। उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई, महर्षि भास्कराचार्य की गणित की पहली पुस्तक। और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने यहां गणित का कोर्स बनाया है, सिलेबस बनाया। आपको हैरानी होगी जानकर, दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने गणित का सिलेबस लीलावती के आधार पर बनाया। ऐसे एक महान हमारे देश में गणितज्ञ हुए, उनका नाम था महर्षि ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये अंक गणित का जो चार हिस्सा है, जोड़, घटाना, भाग और गुणा, ये सबसे पहले महर्षि ब्रह्मगुप्त ने पूरी दुनिया को सिखाया। और इसके लिए उन्होंने शास्त्र निर्माण किया। और महर्षि ब्रह्मगुप्त के ही नाम ये खोज है कि वर्ग करना और वर्गमूल करना, घन करना, घनमूल करना, ये भी उन्होंने सबसे पहले सूत्र दिया दुनिया को सीखने के लिए। और जो बीज गणित हम पढ़ते हैं, जिसको हम आजकल एलजेब्रा कहने लगे हैं, ये एलजेब्रा पूरा का पूरा महर्षि ब्रह्मगुप्त की देन है। हमारा आज का एलजेब्रा और उसका सिलेबस महर्षि ब्रह्मगुप्त के लिखे हुए पुस्तकों पर आधारित है सारा। इसी तरह से एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम है, वो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, नौवीं दसवीं कक्षा से लेके बारहवीं तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस का जन्म हुआ ईसा से 8 शताब्दी पहले, और ईसा के 15वीं शताब्दी पहले के भारत के गुरुकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे यहां था। हम उसको बोधायन प्रमेय के रूप में पढ़ते थे। बोधायन एक महर्षि हुए, उनके नाम से वो प्रमेय पढ़ाई जाती थी भारत में ईसा के जन्म के 15 शताब्दी पहले, माने आज से लगभग 3,500 साल पहले वो प्रमेय भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायन प्रमेय के नाम से। और वो प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हिंदी में कहते हैं ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये जो हम पढ़ते हैं, ये सबसे पहले बोधायन महर्षि की देन है, जिसके आधार पर सारी दुनिया ने सीखा। पाइथागोरस ने बेईमानी करके और चालाकी करके इसको अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया, और वो आज तक सारी दुनिया इसी भ्रम में जी रही। इसी तरह से मैथमेटिक्स में, मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक थ्योरम इस्तेमाल होती है, बाइनोमियल थ्योरम। अगर थोड़ा गणित आपने
उच्च स्तर का पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ये नाम ध्यान में आएगा। बाइनोमियल थ्योरम जो द्विपद प्रमेय है वो सारी दुनिया को सबसे पहले भारत ने दिए, और ये बाइनोमियल थ्योरम भी महर्षि आर्यभट्ट की देन है सारी दुनिया को। और इसी तरह से हमारे भारत में एक विषय चलता है गणित में जिसको मॉडर्न मैथमेटिक्स के नाम से आजकल कहने लगे हैं, कैलकुलस। और उसके दो हिस्से हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये इंटीग्रल कैलकुलस सबसे पहले भारत में लाया जिस महर्षि ने, उनका नाम था माधवाचार्य। और डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी दुनिया को सिखाया जिन महर्षि ने, उनका नाम था भास्कराचार्य। डिफरेंशियल कैलकुलस का आज का पूरा सिलेबस भास्कराचार्य जी की पुस्तक को सामने रख लो तो समझ में आ जाता है। और माधवाचार्य जी की जो गणित की पुस्तक है उसको पढ़कर डिफरेंशियल वो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है। और गणित में सबसे ज्यादा शोध दुनिया में हुआ है तो वो भारत में हुआ है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं दुनिया में, वो फ्रेंच लोग हैं। फ्रांसीसी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि गणित अगर हमने सीखा है और दुनिया ने सीखा है तो वो भारत से सीखा है। और गणित की जो मूल बात है, शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, ये सारी दुनिया को भारत की देन है। और आपने मेरे व्याख्यान के पहले वो जो गीत सुना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो सच है। सारी दुनिया को शून्य, फिर एक, फिर दो, फिर नौ तक की गिनती हमने सिखाई है। और जो गिनती सिखाएगा वही गणित बनाएगा। गणित तो उसी को आएगा जिसको गिनती आएगी। जिन्होंने गिनती गिनी है और जिन्होंने गिनती पढ़ी है वही गणित बना सकते हैं और गणित सिखा सकते हैं। तो भारत ने सारी दुनिया को गिनती दी है, गणित दिया है, गणित के सूत्र दिए हैं। और कुछ गणित के सूत्रों के बारे में तो आप सब जानते हैं। वैदिक गणित का नाम आपने सुना, वैदिक गणित के सूत्र 17 सूत्र है। इन सूत्रों को जो सीख लेगा वो गणित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाए। कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं गणित का। एक बहन जी है, एक माता जी है, नाम नहीं लेना चाहता उनका, आप सब समझ जाएंगे एक मिनट में। वो पूरी दुनिया में प्रवास करती हैं और बड़े बड़े शो करती हैं, लाखों रुपए उस शो के वो लेती हैं। एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपए की टिकट खरीदता है, डॉलर्स में खरीदता है। और वो माताजी सबको यही बताती हैं गणित के सूत्र, और चमत्कारिक तरीके से बताती है। 10 अंक का कुछ संख्या लिख दो और 10 अंक की एक संख्या लिख दो, दोनों का गुणा कर दो, कैलकुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माताजी उसके पहले बता देती है। और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके ऊपर। वो कुछ भी नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र हैं, कोई सीख लेगा तो वो बता देगा, उसमें कौन सी खास बात है। और उनके बारे में अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है, जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, जिनके गणित की गणनाएं कंप्यूटर से ज्यादा तेज है, ऐसी माताजी का व्याख्यान सुनने आइए या दर्शन करने आइए। मैं सोचता हूं कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है, सभी बहनें हो सकती हैं, सभी भाई हो सकते हैं, बस वैदिक गणित के वो 17 सूत्र सीखने की देर है। और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तकें उसकी बाजार में उपलब्ध हैं। मेरी आपको एक विनम्र प्रार्थना है वो ये कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजिए, गणित उनको रोचक हो जाएगा। हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज्यादा बोरियत आती है, क्योंकि आज जो हम गणित सीखते और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं, उसमें रस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो वैदिक गणित लिखा गया है इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं। हमारे भारत में शिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि शिक्षा को रसपूर्ण बना के सिखाना, हंसते हंसते सिखा देना, खेलते खेलते सिखा देना, गाना गाते गाते सिखा देना, गीत गाते गाते सिखा देना, दुनिया में कहीं नहीं है ये। दोस्तों, यदि आपको भाई श्री राजीव दीक्षित जी द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके अन्य देशवासियों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। और यदि आप ऐसी जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो कृपया करके आयुर्वेदिक उपचार को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान जरूर दबाएं। धन्यवाद।